साथियों, पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डीसेलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, उड़ीसा के संसाधन राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाएं, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 वर्षों में हमने उड़ीसा में करीब 3000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए। रेलवे का बजट करीब 12 गुना बढ़ाया है। रेल, हाईवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जाजपुर, भद्रक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, खोरदा, गंजाम, पुरी और केंदुझर जिलों में नेशनल हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। यहां के लोगों के लिए जब अनुगुल सुकिंदा नई रेल लाइन की सुविधा भी हो गई है। इससे कलिंग नगर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ओडिशा के विकास के लिए केंद्र सरकार ऐसे ही तेज गति से काम करती रहेगी। मैं एक बार फिर बिजू बाबू की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हुए आप सबको विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जगन्नाथ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।